दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपकी फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में आने वाला है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर देखने को मिलेगा कि अक्षरा यहां पर देखने को मिलता है आरोही सबके लिए कचोरियां लेकर आती है और अक्षरा की एंट्री होती है, जिस तरीके से अभी शॉक्ड हो जाते हैं और अक्षरा और कारण दोनों ही सब कुछ खुलासा कर देते हैं कि वो वहां से क्यों चली गई थी और उसने बिरला परिवार को क्या कहा है। उसके बाद ये कुर्बानी देकर वो घर वाले परेशान हो जाते हैं, तो वहीं आरोही कहती है हाँ फिर तुम तो भान बन गई ना, और वो उसको ताने देने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षरा उस बात को टाल जाती है और कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो क्या सोचती क्या नहीं सोचती, और वो सिर्फ इसलिए आई है कि वो अभिमन्यु का बर्थडे और उसकी स्माइल वापस लौटा सके। तो वो इसके लिए तैयारी करना शुरू करती है अपना गिटार लेकर, प्लान डिस्कस करती है नील के और मंजरी के साथ में। तो दूसरी तरफ अभिमन्यु अपनी ताजी से ये डिस्कस कर रहा होता है कि आखिर कंफ्यूजन कैसे हुआ जब मैंने फोटो भी दिखाई और नाम भी बताया था, और वो लेकिन इस बात को भूलने की कोशिश करता है अक्षरा से रिलेटेड, और ताजी सोचती है तो कुछ ड्रामा ही करना पड़ेगा ताकि अभिमन्यु सबके सामने बात ना गई वरना तो सब कुछ पता चल जाएगा। जिसके बाद नहीं यहाँ पर ताई जी देखती है कि अक्षरा और नील और मंजरी तीनों ही बातें कर रहे होते हैं और वो उनको तीनों को पकड़ लेती है और उसी का तमाशा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किससे बात करती हैं क्या करती हैं किससे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वहाँ से चला जाता है और तमाशा खत्म हो जाता है। तो वहीं देखने को मिलता है कि आरोही को फिर से इंटर्नशिप का ऑफर जाता है बिरला परिवार से ही, और ये किसी और ने नहीं हर्षवर्धन ने यानी कि अभिमन्यु के पापा ने ही किया है, और वो इसीलिए कि ताकि अभिमन्यु की ज़िंदगी में वापस खुशियां लाई जा सके। आरोही तो उसे प्यार करती ही है और वो तो उसे शादी करना भी चाहती थी। जिसके बाद नहीं यहाँ पर उसको इंटर्नशिप ऑफर मिलता है, लेकिन यहाँ पर मनीष मना कर देता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है जिसमें कि हमें चोट लगे और वापस उसी में सर देकर मार दो, लेकिन अक्षरा मनाती नजर आती है और वो मान भी जाते हैं। तो आरोही डिसाइड कर लेती है कि अभिमन्यु मैं कभी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग नहीं रखने वाली, मैं तो यही चाहूंगी कि मैं तुम्हारे घर ही आ जाऊँ और अब अक्षरा भी हमारे बीच में नहीं है। वहीं नील अब देखने को मिलता है कि पूरा प्लान डिस्कस करता है और कुछ टीम भी उसने हॉस्पिटल में बना ली है कि किस तरह से सेलिब्रेट करना है पूरे दिन, और अक्षरा और वो दोनों ही डिस्कस कर रहे होते हैं फोन पर, तभी अभिमन्यु आ जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे पता नहीं होता कि अब अक्षरा ही फोन पे होती है, और वो कहती है वो कहता है कि मुझे कोई सेलिब्रेट नहीं करना है, और उसकी आवाज़ सुनकर अक्षरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो आपस उसे धन्यवाद कर देता है और कहता है कि लव यू ब्रो, तो वो भी आई लव यू कह देता है और अक्षरा भी उसे आई लव यू टू कहती है फोन पर, लेकिन ये सब कुछ अक्षरा अपनी मन ही मन कहती नजर आती है। तो अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अक्षरा अभिमन्यु का बर्थडे पूरे दिन काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करने वाली है और अक्षरा ही हर जगह अभिमन्यु को नजर आने वाली है। तो दूसरी आरोही भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेगी अभिमन्यु के करीब जाने के लिए, और उसको तगड़ा झटका लगेगा ये देखकर कि अक्षरा बार बार अभिमन्यु के करीब जा रही है। तो दोनों ही बहनों के बीच में एक बार फिर से ड्रामा होगा, तो दूसरी तरफ अक्षरा का प्यार अभिमन्यु के सामने आएगा।